हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के एक जबरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में कुछ ऐसे टॉयज मिलेंगे जो कि आज तक आपने ना देखा होगा, और इन शॉप्स में आप ये टॉयज बहुत ही सस्ते एंड अच्छे दरों में खरीद सकते हैं, और ये ऑनलाइन से सस्ते भी मिल जाएंगे आपको इन शॉप्स में। तो आज मैं मुंबई की इन्हीं शॉप्स को दिखाने वाला हूं और आगे चल के पूरी जानकारी दूंगा कि ये शॉप्स कहां पर हैं और आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूं मुंबई की इन शॉप्स में और आगे चल के बहुत सारी ऐसी ज़बरदस्त एंड अच्छी अच्छी शॉप्स दिखेंगी जिसे देख के आप खुश हो जाओगे। यहाँ पर हर तरह की शॉप्स मिलेंगी आपको और बहुत ही चीप एंड बेस्ट शॉप्स हैं यहाँ पे। आप बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स या फिर ये कहें कि शोरूम जैसे आइटम्स आपको बहुत ही कम पैसों में यहाँ पर मिल जाएंगे। बुक्स चाहिए, टॉयज चाहिए, बच्चों के लिए टॉयज चाहिए, कुछ भी, क्लॉथ्स चाहिए, बैग्स चाहिए, शूज चाहिए, स्लीपर चाहिए, मोबाइल कवर चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर। बट मेरा एम क्या है और मैं क्या दिखाने आया हूँ कि मुंबई के कुछ स्पेशल टॉयज, और आपको पता ही नहीं होगा कि मुंबई में ये टॉयज भी बिकते हैं, तो उसको दिखाने के लिए मैं वॉक कर रहा हूँ और मैं पैदल चल रहा हूँ। आप यहाँ पर केवल पैदल ही आ सकते हैं, यहाँ पर बाइक अलाउ नहीं है, ये केवल वॉकवे है और यहाँ पर आप केवल पैदल चल सकते हैं। तो आपको भी अपनी कार, स्कूटी, बाइक जो भी है आपको पार्क करके ही यहाँ पे पैदल चलना पड़ेगा, तभी आप इन शॉप्स को देख सकते हैं। और आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि मुंबई में ऐसे वाले टॉयज भी बिकते हैं, और कहाँ पर बिकते हैं इसकी जानकारी के लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में पहुँच कर वो सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ, एक्चुअल लोकेशन दूँगा आपको। बट इन सभी रास्तों में, पूरे रास्ते में वही बिकता है। मैंने मैंने स्टार्टिंग में क्यों दिखाया था फोटोज, क्योंकि आपको वैसे ही दिखने वाले हैं, वैसे ही टॉयज मिलने वाले हैं इन शॉप्स में। तो इसकी जानकारी के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है, आप माइंड में रखो और वैसे ही टॉयज आपको बिल्कुल दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे और सस्ते दरों में मिलेंगे। अगर आप लड़के या लड़कियाँ हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है, तो यहाँ पर आके आप ले जा सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपको अच्छे अच्छे बैग्स, अम्ब्रेला और कलरफुल वॉचेज एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर इन चीप एंड बेस्ट, 100 से 200 रुपीज़ में यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। जितने भी इन गलियों में शॉप्स हैं वहाँ पे जो आइटम मिलता है 100 से 200 रुपीज़, आपको बताएंगे ये लोग 500-600 बाय 100 से 200 रुपीज़ में बड़ी आसानी से दे सकते हैं। मेरे सामने से एक फॉरेनर आ रहे हैं विथ गाइड के साथ, तो यहाँ पे आपको फॉरेनर भी दिख जाएंगे घूमते हुए, जो कि यहाँ पे देखने आते हैं, इन टॉयज शॉप्स को देखने आते हैं, लेकिन आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। कुछ यूट्यूबर हैं, एक दो यूट्यूबर हैं जो कि मुंबई के हैं, उन्होंने बताया है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, अभी जस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ और जस्ट इन्हीं गलियों में वो शॉप्स हैं। तो चलिए फर्स्ट आपको टेलर दिखा देता हूँ। तो चलिए, इन महाशय अंकल के पास नीचे कुछ छिपा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन टॉयज को। ये टॉयज सारे ऑनलाइन में मिलते हैं और ऑफलाइन में भी मिलते हैं। ये लोग सब चाइनीज जो होल सेलर हैं उनसे लेते हैं, सब चाइनीज आइटम्स हैं, उनसे लेकर डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे जो भी बंदे हैं सब यूपी बिहार वाले हैं बेचने वाले, यहाँ पे कोई लोकल सेलर नहीं है। और ये दूसरी शॉप्स आप देख सकते हैं, सारे वही टॉयज, वही वाइब्रेटर एंड टॉयज, बहुत तरह तरह के वाइब्रेटर, मसाजर एंड सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये तो टेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बची है, रुको रुको सब्र करो, रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। तो चलो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और इन शॉप्स को दिखाऊंगा। ये महाशय अंकल जो बैठे हैं ये भी सारे आइटम्स बेच रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जूम करके आपको दिखा दिया, अभी स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं इन सारे आइटम्स को। और ये आइटम चीप एंड बेस्ट 100 से 200 रुपीज़ में ऑनलाइन से बहुत ही सस्ते यहाँ पर मिलते हैं। अगर ऑनलाइन लेने जाओगे तो कम से कम 300 में आपको ऐसे मसाजर मिलेंगे, बॉडी मसाजर, वाइब्रेटर एंड कुछ भी जो भी हैं। तो ऐसे टॉयज भी अगर
बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी ये पूरी गली जो है ना इन्हीं शॉप से ऐसे ही टॉयज से भरी हुई है। तो आपको आज तक पता नहीं होगा या आपने देखा नहीं होगा कि ऐसे टॉयज भी मुंबई में मिलते हैं। और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अभी ये राइट वाले अंकल को देखो, इन्होंने गर्दन नीची कर लिया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। तो आप देख सकते हैं इनके पास कौन कौन सी ये सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं ये जो कि कौन सी ये टैबलेट भी रखे हैं कुछ, आई डोंट नो कौन सी टैबलेट है, और अंकल जी हैं ये। और उसके आगे चल के अब दिखाता हूँ, इनके पास फ़ोनपे और गूगल पे भी लिया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी रखा हुआ है ऐसे टॉयज और मसाजर, ऐसे अम्ब्रेला भी है इनके पास। बहुत कुछ आइटम्स हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। और आगे चल के अभी बहुत कुछ बाकी है, तो अभी ये तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपनी आँखें अच्छे से ओपन करके रखना सो दैट मिस ना हो, और मैं स्लो मोशन में कर दूँगा सो दैट आप इजीली देख सके। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी बहुत सारे टॉयज, गोगल्स, अम्ब्रेला, वॉचेज एंड बहुत कुछ रखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो ये पूरी गली जो है ना ऐसी ही भरी हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है कहाँ पे, तो रुको मैं आपको वो ही बताता हूँ कि ये है कहाँ पे। एक्चुअल लोकेशन बताऊँगा जिससे आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओगे। तो आप देख सकते हैं इन महाशय को मुस्कुरा रहे हैं सामने वाले महाशय, क्योंकि इन्होंने कपड़े रखा है और कुछ नहीं, तो ये वीडियो बनाते देख के मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं लड़के, लड़कियाँ, लेडीज, वोमेंस, एवरीथिंग, बच्चे सब कोई विजिट करते हैं इन्हीं रास्तों से। अगर आप बच्चों के लिए टॉयज चाहिए वो भी, और यहाँ पे ये सारे टॉयज भी आपको मिल जाएंगे बड़ी ही अच्छी एंड सस्ते दरों में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो और आगे चलिए स्लो मोशन में करके ही दिखाऊँगा मैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये भी देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी गलियाँ भरी हुई हैं, खचाखच भरी हुई है इसी प्रकार के टॉयज से। क्या गवर्नमेंट को नहीं पता, सबको पता है कि यहाँ पे ऐसे टॉयज बिकते हैं और पब्लिक ले जाती है, क्योंकि ये ऑनलाइन से सस्ते मिलते हैं और अच्छी दरों में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे पब्लिक आके ले जाती है, क्योंकि सस्ते एंड अच्छे आइटम किसे पसंद नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जगह कहाँ है और मैं आप कैसे आ सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप भी ऐसी या फिर इसी शॉप्स को देखना चाहते हैं, इन्हीं सारी शॉप्स को देखना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पर आना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको जस्ट वहाँ पे ले जाके बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे अब पहुँच गया, ये है फ्लोरा फाउंटेन। अब फ्लोरा फाउंटेन तो आप आ जाओगे किसी भी टैक्सी या बाइक वाले को लेके या बस के द्वारा, या फिर ये चर्चगेट जो रेलवे स्टेशन उसके पास ही है, ये फ्लोरा फाउंटेन जो है चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास ही है। आप किसी भी टैक्सी वाले को पूछोगे या बोलोगे कि मुझे फ्लोरा फाउंटेन चलना है और फ्लोरा फाउंटेन वाले सर्कल पे, तो वो आपको उतार देगा। आपको यहीं पर उतरना है और इससे उतर के आपको किस साइड जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप वो देख रहे हैं कि वो सामने बिल्डिंग दिख रही है, आप उस बिल्डिंग को याद रखना, आपको जस्ट पीछे साइड जाना है उस बिल्डिंग के पीछे साइड, मतलब जिस साइड अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब इस फ्लोरा फाउंटेन के जस्ट पीछे साइड जाना है। और यहाँ पर वो बहुत सारी शॉप, उस साइड आपको नहीं जाना, आप उसके याद रखना, उस बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट, मतलब वो बिल्डिंग वहाँ पे दिख रही है, तो आपको जस्ट इसके पीछे साइड जाना है और यहीं पे ये सारी शॉप्स हैं, जिससे आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आई होप आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मुंबई या गोवा या फिर अन्य जगहों के ऐसे ज़बरदस्त एंड अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।